हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं सांभर बनाऊंगी अपने तरीके से, आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ ठंड है ना, यहाँ पे सब्जी तो नहीं पकेगा। और दाल मैं पहले 2 सीटी लगा लूँगी, फिर उसके बाद सब्जी सब्जी के साथ फिर लगाऊंगी, क्योंकि ये देर लगता है ठंड इलाके में खाना बनने में। और मैंने यहाँ पे सांभर के लिए लिए हैं क्वास, मूली और ड्रम स्टिक, बैंगन, गाजर लिए हैं, इतनी सारी सब्जियाँ हैं। और मैंने प्याज कट के रख लिया है, टमाटो, धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सांभर मसाला, राई के दाने, सूखी मिर्च और मेथी के दाने, और साथ में हींग और इमली मैंने भिगो के रख दिया है। अब इसको बाद में, अब इसमें पानी डाल रही हूँ मैंने, लगभग 1.5 कप है। पहले मैं ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊंगी, इसमें थोड़ा ही लगाऊंगी, 1 सीटी। फिर उसके बाद मैं दूसरी बार सब्जी भून के वहीं पे डालूंगी और उसी में सीटी लगा लूंगी। अब कढ़ाई गरम हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई, मेथी के दाने, सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, प्याज, प्याज भी डाल देना है। काश्मीरी मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा, ऑल आ रहा है। टमाटर डाल रही हूँ, अब टमाटर को पकाऊंगी। अब मैं सब्जियों को डालूंगी। धो के रखा हुआ है मैंने सारे पहले से ही। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं, क्योंकि आज घर में काफ़ी लोग होंगे, तो नहीं तो हम दोनों होते तो थोड़ा सा ही बनाती मैं। और सबको सांभर पसंद है मेरे घर में। इसलिए मैंने दाल भी ज़्यादा लिया है, 2 पर्सन के लिए जब खाना बनाते थोड़ा सा लग जाता है, बट काफ़ी सारा लोग हो तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है क्वांटिटी। अब इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच सांभर मसाला, को मैं एक्चुअली कढ़ाई में भी बना सकती हूँ, मगर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं कुकर में डालूंगी इसको भून के ना, कुकर में डालूंगी, क्योंकि कढ़ाई में नहीं हो पाएगा ये, यहाँ पे गलने में बहुत वक्त लगता है। कई बार मैंने कढ़ाई में बनाए तो उसमें बहुत देर वक्त तक पकाना पड़ता है, तो बाकी का काम करने में लेट हो जाती हूँ मैं, बाहर का काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दबाजी के लिए इसमें भून के ना अब मैंने कुकर में डाल देना है। दाल मेरा गल गया है हल्का सा, मैंने ज़्यादा नहीं लगा, इसके साथ भी लगाऊंगी तो गल जाएगा सीटी इकट्ठा। बैंगन को लास्ट में इसलिए डाला कि बैंगन जल्दी पक जाते हैं ना। वाओ, देखिए ये मेरा आ गया है, फ्लिपकार्ट से मैंने ट्राईपॉड मंगाए थे,
क्योंकि मुझसे कैमरा हैंडल करने में मुश्किल हो रही थी, काम करने में, एक हाथ से कैमरा पकड़ना फिर फ़ोटो डालना। तो ये आ गया है मेरा, अब मैं इसको देखूँगी थोड़ी देर बाद में, खोलूँगी अभी नहीं, अभी तक किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। और हमारे यहाँ कड़ी पत्ते फ्रेश नहीं रहते, मतलब फ्रेश आता भी है तो दो तीन चलाए सारे फिर सड़ जाते हैं, इसलिए मैंने ये कड़ी पत्ता मैंने सिलीगुड़ी से धो के फिर उसको सुखा के उसको मैंने ऐसे पैकेट कर लिए हैं ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे कड़ी पत्ते नहीं होते, पेड़ नहीं होते लगाने से भी, ये ठंडा एरिया है, मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैं दार्जिलिंग में रहती हूँ आपको पता ही है। मेरी सब्जी भुन गई है, अब मैं इसको रेस्ट देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं कुकर में डालूँगी। ये देखिए मेरे दाल अच्छे से गल गए हैं, थोड़ा जो एक दो रहा है वो ऐसे रहने दूँगी क्योंकि सब्जी के साथ अभी इसको फिर एक दो सीटी लगानी है ना मुझे, तब तक तो हो जाएगा। तो ये मैंने डाल दी है और इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाले हैं। अब ये तो गलेगा नहीं तो इसीलिए मैंने इसको सीटी लगानी है। अब सीटी लगा के फिर बाद में मैं इमली डालूँगी, लास्ट में आखिरी में धनिया पत्ता डालूँगी, इमली का पल्प डालूँगी, ये जो सॉरी पल्प बोल रही, इमली का गुद, इमली का क्या कहते हैं रस, ये डालना है और गुड़ डालूँगी, गुड़ थोड़ा सा गुड़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा नहीं, मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए, तीखा खट्टा सब कुछ मिक्स, ज़्यादा खट्टा भी नहीं खा सकते वो। आज मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा इमली कम डाल, मैंने कहा नहीं इमली का स्वाद तो कट जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा कि आप खा ही ना पाओ। ये मैंने बेसन का बैटर बना लिया है, बैंगन की भाजी बनेगी, ऐसे छोटे पतले पतले कट लिए मैंने, कट कर लिए, इसको मैं थोड़ा सा डीप करके रखती हूँ ना, नरम भी हो जाएगा, इसमें नमक समक सब लगा है तो इसमें भिगो के रख देती हूँ पहले से ही, क्योंकि बैंगन भी तब तक नरम हो जाएगा। के भयो, तो इसमें मैंने ना एक चीज़ डालना भूल गई, मेरे हस्बैंड को थोड़ा तीखा पसंद है तो मैं इसमें तीखा लाल डाल रही हूँ। इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा है, अभी मैं बाद में पानी डालूंगी, ये इमली का पानी है। ये देखिए मेरा सांभर, और एक गुड़ है, गुड़ गुड़ डाल दिया मैंने 1 चम्मच। मेरा सांभर रेडी, परोसना होगा इसको।